हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं बच्चे जितने मेरे टेंथ वाले स्टूडेंट्स हैं जो ध्यान से देखना। हम आज हमारा चलेगा चैप्टर टू। चैप्टर टू क्या है बच्चे आपका? चैप्टर टू है हमारा पॉलीनोमियल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होते हैं पॉलीनोमियल्स, क्या नहीं। थोड़ा सा पॉलीनोमियल चैप्टर आप क्लास नाइन्थ में भी पढ़ के आए हैं, वहां भी आप पढ़ के आए चैप्टर जो पॉलीनोमियल है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना कि पॉलीनोमियल क्या है क्या नहीं है। तो पहले हम पॉलीनोमियल की बात करेंगे क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि आपके टेंथ क्लास में क्या चीज नहीं ऐड हुई है। तो पहले बात करते हैं बच्चे पॉलीनोमियल क्या है क्या नहीं है। पहले हमने लिखा पॉलीनोमियल, व्हाट इट मींस ऑफ दैट पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल पे जाने से पहले आपको कुछ और चीजें और बता देता हूँ मेरे बच्चे। कुछ चीजें होती है कॉन्स्टेंट, एक होती है हमारे पास कॉन्स्टेंट और एक क्या होते हैं वेरिएबल्स। चलिए आप समझो बच्चे, कॉन्स्टेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, ये चीज समझ लेना बच्चे। कॉन्स्टेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बच्चे फिक्स कॉन्स्टेंट और एक होते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। बच्चे कॉन्स्टेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स कॉन्स्टेंट और एक होता है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। बड़े ध्यान से समझ लेना पहले इन चीजों को। फिक्स कॉन्स्टेंट पहले बात करते हैं, फिक्स कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, वेरिएबल की बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं बच्चे फिक्स कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं। फिक्स कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं? ऐसे कॉन्स्टेंट जो फिक्स है, जैसे मैंने बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या कोई माइनस के नंबर हो या कोई प्लस के नंबर हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे होते हैं फिक्स कॉन्स्टेंट। जैसे मैंने बोला 2, 3, 4, 5, या 1, -1, 1, 0, ठीक है मेरे बच्चे, -3, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? फिक्स कॉन्स्टेंट होते हैं, ये फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या है? मैं अगर बोलूं ये 4 है तो भैया ये 4 ही रहेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये 5 हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये कुछ भी हो जाए। तो दीस टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट आर नोन एज़ द फिक्स कॉन्स्टेंट। अब बात करते हैं बच्चे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, जरा समझ लीजिए। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आपने कहीं यूज करे होंगे। जैसे मैंने बोला मैं आपसे बोलूं ax, तो ये a और ये क्या है? x है, समझ लेना बच्चे। या आप कहीं कॉन्स्टेंट यूज करते हो a b c d e, जब आप कहीं यूज करते हो a b c d e, ये जब आप ऐसे कॉन्स्टेंट यूज करते हो तो इनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, और जब हमारे बिल्कुल नंबर्स यूज होते हैं ऐसे कॉन्स्टेंट उनको बोलते हैं फिक्स कॉन्स्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं और फिक्स कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स भी लेंगे अभी पॉलीनोमियल के अंदर, बट पहले अभी आपको पता होना चाहिए कि ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कौन से और फिक्स कॉन्स्टेंट कौन से। देखो इनको आर्बिट्रेरी क्यों बोला गया ये भी और समझ लीजिए। मैंने बोला ए है, ए कुछ भी हो सकता है, ए वन भी हो सकता है, ए टू भी हो सकता है, ए थ्री भी हो सकता है। तो जो चेंज हो जाए, ए जो कुछ भी हो जाए, ए आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का मतलब है कि जो कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, उनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो पहले आपको कॉन्स्टेंट जरूर पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो जिनकी वैल्यू किसी पे डिपेंडेंट होती है। एक्स मतलब जैसे हमने बोला एक्स, वाई, ठीक है बच्चे, जेड, ये ज्यादातर वेरिएबल्स के उसमें माने जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। ये होते हैं एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब है कि जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, मतलब जो या किसी भी चीज पे जो डिपेंड होते हैं। वेरिएबल्स किसी ना किसी चीज पे डिपेंड होते हैं मेरे बच्चे, ये चीज बड़े ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है ये अलग, ये कॉन्स्टेंट ये फिक्स नहीं है। यहाँ पर हम जब हम ए बी सी डी को एज ए कॉन्स्टेंट यूज करते हैं उनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब है मेरे बच्चे कि ये क्या है कि इनकी जो वैल्यू है, जैसे हम बात करें ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, ये किसी पे डिपेंड रहेंगे। जो वेरिएबल्स हैं वो किसी पे क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। तो इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, जो किसी चीज पे क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। और ज्यादातर ये एक्स होते हैं, वाई होते हैं, जेड होते हैं, वो कुछ भी सकते हैं, वो कुछ भी सकते हैं। तो बट वेरिएबल्स आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है। मतलब है कि मैं अगर बात करूं उनकी वैल्यू किसी ना किसी चीज पे डिपेंड होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्स्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं।
क्योंकि इन दोनों का सबसे ज्यादा रोल है किसके अंदर, पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो एक बार लिख लीजिए कॉन्स्टेंट की तरह एक्स के होते हैं फिक्स कॉन्स्टेंट, अर्बिट्री कॉन्स्टेंट, एक बार लिख लीजिए, पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स आपने लिख लिया होगा पीछे वाला टॉपिक, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, व्हाट इट मींस ऑफ दैट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मेरे बच्चे, अगर मैं हिंदी में बात करूं आपसे तो अगर पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, व्हाट मींस ऑफ दैट, बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं एक ही वेरिएबल की, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं एक ही वेरिएबल की, उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। मतलब अब कैसी टर्म्स, पहले देखते हैं बच्चे हम कैसी टर्म्स, जैसे मैंने लिखा 2x³ + 4x² + 5। देखो बच्चे बहुत सारी टर्म्स हैं, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, और किस पॉलिनोमियल की, किस वेरिएबल की है, एक्स वेरिएबल्स की है। जैसे और देखते हैं, देखो अभी हम और बात करते हैं, ए एक्स की पावर 100 + bx की पावर b x की पावर 99 + c x की पावर 98 ... + लास्ट में मैंने लिख दिया यहां पर बच्चे मैंने लिख दिया e। चलो मैंने ये लिख दिया जी, ठीक है जी। तो बहुत सारी टर्म्स है इसके अंदर, बट देखो वेरिएबल सिर्फ इसके अंदर एक ही है। जैसे हम इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर वेरिएबल क्या है x, और कॉन्स्टेंट क्या क्या है बच्चे इसके अंदर, पहले वाले के अंदर, इसके अंदर कॉन्स्टेंट क्या क्या है, कॉन्स्टेंट 2 है 4 है और 5 है, यह है इसके अंदर कॉन्स्टेंट, पर वेरिएबल एक ही है। तो क्या होता है पॉलिनोमियल, जो हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होती हैं, जो किस किस से मिलके बनती होती है, कॉन्स्टेंट और एक ही वेरिएबल, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, वेरिएबल एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अभी बात करेंगे हम इस बारे में भी, वेरिएबल क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए, तो जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है बट वेरिएबल एक ही हो, या एक सिंगल टर्म हो। मैंने आपसे कहा ये खाली ये लिखा मैंने 2x, तो क्या ये भी पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल, इसकी बात है ये भी पॉलिनोमियल है मेरे बच्चे, क्योंकि इसके अंदर देखो वेरिएबल दिख रहा है आपको, है बिल्कुल ये रहा वेरिएबल, और क्या है वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बताओ क्या, x, ठीक है जी, और कांस्टेंट क्या है इसके पास, क्या है 2, दैट्स क्लियर, इतने पास में आ गई। जैसे हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसके पास भी वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा है, कॉन्स्टेंट क्या दिख रहे हैं, ए बी सी और डॉट डॉट, कितने कॉन्स्टेंट है ई, देखो यहाँ पर जो ए बी सी ई है दीज आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर जो 2, 4, 5 है दीज आर नोन एज द फिक्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पर भी देखो वेरिएबल क्या है, एक्स है, और कॉन्स्टेंट क्या है, 2 है, और ले लेते हैं, और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ये 2y² + 3y + 5 या + 6 लिख दिया बच्चे मैंने, तो यहाँ पर ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये जरा बताइए इसके अंदर किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये वेरिएबल y का पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, वेरिएबल y का पॉलिनोमियल है, और इसके अंदर क्वेश्चन क्या है 2, 3 और 6, बात करेंगे अभी हम इस बारे में भी, और इसके अंदर टर्म्स कितनी है, 3, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म्स, बात समझ में आ गई, इसके अंदर कितने टर्म्स है, 3, 1, 2, 3, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3 और बहुत सारी, आप कह सकते हैं कि इसके अंदर टर्म्स हैं, जब भी हम नहीं काउंटेबल नहीं है कि कितने टर्म्स हैं, क्योंकि डॉट 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 आ रहा है, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, सिर्फ एक टर्म्स है, इसके अंदर कितने टर्म है, 3 टर्म, और ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल का, वाई वेरिएबल का, ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल का, ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल का, ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल का, ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल का। आगे देखिए बच्चे और भी देखिए जरा एक बार देख लीजिए, अब देख लीजिए बच्चे आगे देख लीजिए, अब मैं और लेता हूं जरा देखिए, अभी मैंने यहां पर लिखा, अब जैसे ये हमारे पास ये जो था, ये जो हमारे पास वेरिएबल था, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको डिनोट किससे करते हो, पी एक्स, व्हाट इट मींस ऑफ दैट, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का, एक्स वेरिएबल का, मैंने लिखा पी वाई y² + 2, व्हाट इट मींस ऑफ दैट, किस वेरिएबल का है, y वेरिएबल का है, और कौन है पॉलिनोमियल, ये रहा y² + 2 इतने समझ में आ गए बच्चे, हमने कोई लिखा ये z³ + 3z, ये लिख दिया बच्चे, किस वेरिएबल का है, किस वेरिएबल, z वेरिएबल का है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग px, व्हाट इट मींस ऑफ दैट, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का, x वेरिएबल का, py का मतलब पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का, y वेरिएबल का, pz का मतलब पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का, z वेरिएबल का, आपको पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का है और कैसे डिनोट करते हैं। और आगे बात करते हैं, 2x³ एक टर्म है इसकी, 4x³ एक टर्म है इसकी,
फाइव टर्म है इसकी, तो इस पॉलिनोमियल के पास कितनी टर्म्स है? तीन। इस पॉलिनोमियल के पास कितनी टर्म है? दो। इस पॉलिनोमियल के पास कितनी टर्म है? दो टर्म्स है। आगे एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर हमने लिया अब की बार ए वेरिएबल का। अब आपको भैया ए आपने आर्बिट्री कांस्टेंट बताया था, अगर वहां पर पॉलिनोम वेरिएबल कुछ और है तो ए आप एज आर्बिट्री कांस्टेंट यूज कर सकते हो, बट हम पॉलिनोम वेरिएबल को ये मान रहे हैं तो वो एक बात है। अब ए एज ए बिहेव कर रहा है एज ए वेरिएबल। चलो हमने लिया ये लिया थ्री ए स्क्वायर प्लस फोर ए क्यूब प्लस ए प्लस फाइव, दैट्स क्लियर आ गया। आप समझो किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? ए वेरिएबल का। कितनी टर्म्स है? एक दो तीन चार टर्म्स है इसके पास। तो ये क्या होती है? टर्म्स होती है, ठीक है मेरे बच्चे। तो टर्म्स समझ में आ गई, ये होती है टर्म्स। इसके पास टर्म्स कितनी है? चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। देख लीजिए दो चीजें बना लेता हूँ, एक टेबल बना लेते हैं बच्चे। एक बना लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल क्या है और यहाँ पर इसके अंदर टर्म्स कितनी है, ठीक है बच्चे। और अभी एक चीज और कर लेते हैं, एक चीज और कर लेते हैं टर्म्स, और इसके साथ एक चीज और पढ़ लेते हैं, आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा टॉपिक कवर। डिग्री, इस डिग्री की भी बात करेंगे साथ के साथ कि ये डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? थ्री। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? टू। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? थ्री। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? थ्री, ठीक है बच्चे। और हम ऐसी बात करते हैं, डिग्री समझ में आ गया, डिग्री और टर्म्स मतलब टर्म्स आप समझ में आ गई। आप समझो वेरिएबल किस वेरिएबल का है? एक्स वेरिएबल का। टर्म्स कितनी है बच्चे इसमें? थ्री। और इसके अंदर डिग्री भी कितनी आ रही है? थ्री, दैट्स क्लियर, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है?